सभी माता के भक्तों को जय माता दी। होई माता का होई माता के अष्टमी व्रत कथा, होई माता की व्रत कथा सुनिए। ध्यान लगा के सभी भक्त जन होई माता की कथा सुनिए। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके सात लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर को लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने के लिए खदान गई और खदान में सब जब मिट्टी खोदने लगी तब दैव योग से ही उस जगह एक शेर की मान थी। शेर उस स्त्री के हाथ से कुदारी से शेर का बच्चे को लग गई, जिससे शेर का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई। यह देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। स्त्री पश्चात करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात एक वर्ष में उसके सातों लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। एक बार मैं मिट्टी खोदने के लिए खदान में गई थी तभी मिट्टी खोदते शायद मेरी कुदाड़ी एक से के बच्चे को लग गई थी, वो मर गया था। तभी उसी एक वर्ष के भीतर सातों लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी में भगवती की शरण लेना। से के बच्चे को एक चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा। तुम पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी व्रत किया तथा हर साल व्रत का पूजन करती रही। फिर ईश्वर की कृपा से सात पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। होई अष्टमी माता की जय। जैसे माता उसका दिन लौटाया, वैसे सभी का लौटाना। सबकी पाप करो, बच्चों की रक्षा करो। सारे भक्तजन मन लगा के सुनना, एकदम सही कहानी सुनाई हूँ, पूरी कहानी होई माता की। जय माता।